हम अक्सर सब्जियों को बिना लहसुन प्याज का तो बनाते हैं। क्या आपने बिना मसालों का सब्जी बनाया है? अगर नहीं बनाया तो इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम किसी भी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, इट मीन्स हल्दी पाउडर का भी नहीं। यहाँ पे हम बिना मसालों की सब्जी बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज की। इसे बनाने में एक टेक्निक है, तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। आज की रेसिपी हम बनाएंगे मीठे कद्दू से, जिसे हम कोमड़ा भी बोलते हैं, कोहरा भी बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, पर इसका जो टेस्ट होगा ना, इट वॉज सो अमेजिंग। ये जो रेसिपी है, हम इसमें बिना लहसुन प्याज का, बिना मसालों का बनाएंगे आज की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, पर इसे बनाने का जो तरीका है वो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मीठा कद्दू लिया है और इसे छील करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मीठे कद्दू को ऊपर से छिलका छील लिया है। इसके छिलके को छीलने में थोड़ा, छिलका हार्ड होता है तो छीलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो छिलके को सबसे पहले छीलने के बाद हम इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर देंगे, और उसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, हमें इतने छोटे टुकड़ों में कट करना है। जैसे हम नॉर्मल सब्जियों के लिए बड़े बड़े टुकड़ों में कट करते हैं, वैसे हमें नहीं कट करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मीठे कद्दू को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स मीठा कद्दू लिया था। अब हम इसे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर लिया, और कढ़ाई जब गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल डाला है। इसमें हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो ऑयल आप कम ही डालना। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ। साबुत यहाँ पे हमने डाला है फ़ौरन के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे करी पत्ता। तो करी पत्ता की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इन सभी चीज़ों को 10 सेकेंड के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। आप ध्यान से, जले नहीं, इसे हमें हल्का सा ही ब्राउन करना है। उसके बाद आप इसमें मीठा कद्दू डाल देंगे जो हमने काट करके रखा था। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्च स्लिट की हुई, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसकी जो खुशबू होती है ना, बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से आपको डालना है, और आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना। आप चाहे तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो एक, ये ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं थी तो हमने एक दो और हरी मिर्च को डाल दिया है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी है, और अब हमें इसे चलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है, और हमें इसे स्टर नहीं करना है। हम इसे कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, और उसके बाद हम कवर हटाएंगे। तो हमें इसे करछी से या फिर किसी भी चम्मचे से बिल्कुल भी नहीं चलाना है। हम इस तरीके से टॉस करेंगे, हमें स्टर नहीं करना है किसी भी चीज़ से। हम इस तरीके से लाइक पैन में जैसे हम टॉस करते हैं, उस तरीके से हमें करना है। इसे टॉस करने के बाद दोबारा से कवर कर दे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल जो है सब्जियों में अच्छे से सेपरेट हो गया है, और इसे बनने में 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगा है, और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये सिर्फ 6 से 7 मिनट में, 8 मिनट में सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सब्जी है और बहुत ही अलग टेस्ट आता है इसका। यहाँ ना तो हमने किसी लहसुन प्याज का यूज किया और ना ही किसी मसाले का यूज किया है, फिर भी इतनी टेस्टी सब्जी बहुत ही खाने में ज़बरदस्त थी, और हमने ऑयल का भी कम इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे सब्जियाँ अच्छे से पक गई थी, तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे हमने गर्मा गर्म सर्व किया। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। तो आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी तो है ही। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।